मना नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, एक नया फ्रंट बनने की तैयारी है? देखिए लालू जी काफ़ी अरसे के बाद वो आए हैं और हालांकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है जैसा मुझे पता है, हम लेकिन वो मिल रहे हैं लोगों से। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोशिश हो रही है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ लाया जाए। यहाँ बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति उससे आप सब लोग अवगत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन की जो सरकार है वो कैसी चल रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है। आपको आपने देखा कि अभी नीतीश जी ने भी जो जासूसी का मामला है उसको लेकर उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि इस तमाम मामलों की छानबीन हो। तो NDA के अंदर भी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका असर बिहार की राजनीति में पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार ने गलत काम किया है, अनैतिक काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इस इशू पर, इस मसले पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि आखिर उसको किसने खरीदा, क्या तय हुआ, कैसे और कितने लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ। किसी भी समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया, चाहे वो जज हो, मीडिया हो, राजनेता हो, हर को उसमें शामिल किया गया, उनके ऊपर निगरानी की गई। तो ये तो एक तरह से जो हमारी जैसा भी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वही मुख्य मुद्दा हमारा यही कि हमारी आज़ादी है जो बोलने की, लिखने की, उस आज़ादी पर नज़र रखी जा रही है सरकार की ओर से, निगरानी रखी जा रही है। ये पहली बार इस देश में हुआ। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है, विपक्षी